सर्विस करवानी है सर्विस। आज भाई अपनी हिमालयन की फर्स्ट सर्विस करवाने लेके जा रहे हैं। सो बाइक ज़्यादा चली तो है नहीं, बट इसका फर्स्ट सर्विस का टाइम हो चुका है। सो मुझे डेली रॉयल एनफील्ड से कॉल आ रहा है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि चलो आज इसकी सर्विस करवा ही लेते हैं। सो अपनी बाइक चलिए, मैं आपको जल्दी दिखाता हूँ कितनी चली है। सो अपनी बाइक चली अभी तक ओनली 145 किलोमीटर, दैट्स इट। सो एक महीने से इसको ऊपर हो गया है, सो ऑलमोस्ट लाइक 45 डेज होने वाले हैं। सो 45 डेज में फर्स्ट सर्विस होती है इसकी, तो टाइम हो गया, सो इसलिए करवा लेते हैं। सो हुआ क्या, लाइक अभी मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी, बाइक चलाई थी 15 दिन पहले, सो वो वाली वीडियो भी मैंने अभी तक पोस्ट नहीं की है। वो जो हुआ है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ कि क्या हुआ है। सो पूरा डिटेल में कि क्या हुआ है, क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, आपको आगे सारी वो चीज़ डिटेल में बताता हूँ वीडियो में। वेल हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। सो आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। सो भाई हुआ क्या, लास्ट टाइम मैं बाइक को राइड पर ले गया, विच इज़ ऑलमोस्ट 15 डेज बैक, और मैं घर पे आया हूँ, एंड फिर घर पे आते ही पापा की तबीयत ख़राब हो गई। सो अभी मॉम का रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है, जो कि आपको सबको लास्ट वीडियो में पता चल गया होगा। सो पापा की हेल्थ ख़राब हो गई, सो ड्यू टू दैट लाइक उनको हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा। सो अभी 10 डेज बाद लाइक उनको हॉस्पिटल से फ्री किया गया है। सो अब थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं, पहले से बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। तो उसके बाद सो ड्यू टू दैट मैं वीडियो ही नहीं बना पाया। वीडियो क्या लाइक ये ऐसे मोमेंट में ना लाइक तुम्हें कुछ ये सब चीज़ें करने का मन ही नहीं करता कि तुम वीडियो बनाओ, बाहर जाके काम करो, फलाना करो, ऐसे मोमेंट में कुछ करने का मन ही नहीं करता है। तो भाई बुरा टाइम ना देखो सबका आता है, और बुरा टाइम जब आता है तो बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल कर देता है, जो कि अभी मेरे साथ चल रहा है। बट ऐसे मोमेंट में ना हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर तुम ऐसे मोमेंट में अपनी होपलेस हो जाओगे और बिल्कुल ही तुम गिव अप कर दोगे, तो लाइफ बहुत हार्ड हो जाएगी आपके लिए निकालनी। सो बुरा टाइम भी आगे चला जाएगा, बट कोई नहीं, लाइफ हमेशा पॉजिटिव तरीके से जीनी चाहिए। सो स्टे पॉजिटिव भाई एवरीवन। क्या कर रहा है यार एकदम से इधर गड्ढे बचाने के लिए। आई थिंक इंडिया में शीशे तो बस ऐसे ही चलान से बचाने के लिए लगा के रखते हैं, कोई मतलब ही नहीं है शीशों का। तो यार बाइक चलने में हिमालयन बढ़िया लगी मुझे, पिकअप वगैरह सारी चीज़ बहुत बढ़िया लगी मुझे। बट एक चीज़ मुझे जो पसंद नहीं आई भाई, वाइब्रेशन बहुत है यार। अभी जैसे मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ इसको, तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है। रॉयल एनफील्ड को लाइक इस चीज़ पे काम करना चाहिए, बट अगर वो इस प्राइस रेंज में तुम्हारे शौक पूरे करवा रहे हैं ना, तो यार तुम्हें सारी चीज़ें देखो मिल नहीं सकती हैं। तो इसीलिए मैं भी ज़्यादा कंप्लेन नहीं करता हूँ। तो ओवरऑल भाई बाइक बहुत बढ़िया चल रही है। आज तो भाई रॉयल एनफील्ड खुला है यार, आज तो बंद नहीं है। चलो पिछली बार की तरह से फुद्दो नहीं कटा मेरा। सर्विस करवानी है सर्विस, कल होगी सर्विस, सर्विस कल होगी। आज फुल हो गया है, हाँ गाड़ी लगा लीजिए, अंदर बात कर लीजिए, आज की वो फुल हो गया आज का। अच्छा ऐसा भी है क्या, 45 हो गया गाड़ी। अरे यार भाई फाइनली भाई उन्होंने बाइक ले ली है। सो उनका आई थिंक कोटा होता है डेली का 45 बाइक का, तो वो पूरा हो गया था। तो मैं भी फ़ोन करके नहीं आया था, तो कोई नहीं, बट ये थोड़ा था ना अगर तुम प्यार से बात करो तो सारे काम हो जाते हैं। सो बाइक ले ली उन्होंने, अब शाम को जाके उसको उठा लेंगे। तो अभी घर जाके क्या करना है, अब 10 आवर में पंचर लगवाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, उसको चलाए हुए बहुत दिन हो गए हैं। और भाई अपना कवर आ गया है। सो ये बाइक जब ली थी उनके साथ तब मैंने लेना था, बाइक को लिए हो तो 45 दिन होने वाले हैं, तो टाइम ही नहीं मिला उसके बाद। तो फाइनली बाइक का कवर भी आ गया, चलो एक तो अच्छा काम हो गया। अब दूसरी बाइक का नंबर आ चुका है, अब इसका पंचर लगवाते हैं। बेचारी खड़ी हुई है यार 3 महीने, 2 महीने हो गए हैं, 3 महीने कह रहा हूँ मैं, 2 महीने से खड़ी हुई है। क्या हाल हो गया यार, मिट्टी 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 मिट्टी। इसको एक बार कोल्ड स्टार्ट करते हैं, पहले बहुत दिन हो गए, बहुत दिन। हवा 40 कर दो, 40 भाई अपनी बाइक आ चुकी है, फर्स्ट क्लास लग रही है, मस्त शाइन मार रही है यार फर्स्ट सर्विस के बाद। बड़े दिनों के बाद इतने दिल भी देख रहा हूँ मैं, इतने दिनों से मिट्टी में ही देख रहा हूँ इसको, बड़ा अच्छा लग रहा है इतनी साफ बाइक देख के। भाई 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 मज़ा आ रहा, मज़ा, फर्स्ट सर्विस हो गई है।
अब एक प्रॉब्लम तो ख़त्म हो गई है कि इंस्टेंट अभी कोई प्लान बनता है लंबा 100, 200, 500 किलोमीटर जो भी बनता है वहाँ जा सकते हैं। सो उसमें कोई इशू नहीं आएगा। मैं ये नहीं सोचूंगा बार बार कि भाई यार मेरी सर्विस ड्यू है, कभी कुछ ये प्रॉब्लम ना हो जाए, वो प्रॉब्लम ना हो जाए। भाई मेरे को ये टाइम टू टाइम करवाना पसंद है यार, सर्विस वगैरह जो है ना हमेशा जो भी है भाई, आप व्हीकल को टाइम टू टाइम सर्विस करवाओ और हमेशा कंपनी से करवाओ, आपको कभी प्रॉब्लम्स ही नहीं फेस करनी पड़ेंगी अगर टाइम टू टाइम सर्विस होती रहे तो। वैसे वेदर तो बता रहा हूँ मैं, पूरा राइडिंग वाला वेदर हो चुका है, बहुत मज़ेदार वेदर है। ओहो हो हो, जैकेट निकालनी पड़ेगी भाई, ठंड लग रही है, टी शर्ट में आ गया मैं तो। अभी पिछले 2 दिन ना बहुत बढ़िया ठंड हो रही है और रात को इतनी बढ़िया ठंड हो जाती है, मज़ा आता है चलाने में बाइक वगैरह। आई डोंट नो गाइस, अगर आप देख सकते हो या नहीं देख सकते हो, बट ब्रिज के ऊपर फुल मून क्या ज़बरदस्त लग रहा है भाई, इट्स लुकिंग सो अमेजिंग यार, क्या बढ़िया क्लियर वो आ रही है यार, जैसे एक ऊपर बल्ब लगा दिया हो, बहुत बढ़िया लग रहा है। सो मैं अभी आप लोगों को घर जाके इसका सर्विस का ब्रेक डाउन करके बताता हूँ कि फ़र्स्ट सर्विस में क्या क्या होता है एंड फर्स्ट सर्विस की क्या 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 कॉस्ट है। सो आई एम श्योर लाइक ऑलरेडी यू हैव लाइक सीन सो मेनी वीडियोज़, बट स्टिल मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो मेरे चैनल के व्यूअर्स हैं, उनको उनके लिए स्पेशली जानना भी ज़रूरी है भाई, अपने ही फैन बेस लगे ना। सो सारी इन्फॉर्मेशन बताते रहेंगे, डिटेल में घर जाके बताता हूँ। तो गाइज अपनी बाइक की फर्स्ट सर्विस हो गई है। सो फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट मेरे को पड़ा है 1440। सो इसमें 2 लीटर ऑयल डलता है 1000 रुपये का, चेन लूप एंड चेन क्लीनिंग दैट इज़ लाइक 120 रुपीज़, 250 रुपये की फर्स्ट सर्विस किट होती है, मुझे पता नहीं क्या लगाते हैं। तो फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट है भाई 1440 रुपये और बाइक अपनी 10 आवर का भी पंचर लग गया, तो दोनों बाइक अपनी रेडी हो चुकी हैं। सो अब थोड़ा सा राइड करना स्टार्ट करेंगे। तो भाई इस वीडियो को ना यहीं पे खत्म करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।